हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे मज़े में होंगे तो जी हो रहा अभी सुबह का टाइम और ये वीडियो है आज का ही तो अभी सुबह सुबह मुझे बनाने हैं हस्बैंड के लंच के लिए बथुआ और आलू के पराठे तो आलू जो है ना मैंने रात को ही धो के रख दिए थे सुखा के क्योंकि क्या होता है ना सुबह सुबह एकदम से ठंडे पानी में हाथ देने में ना बहुत आफत आती है टंकी का ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है तो मैंने आलू जो है ना वो रात को ही धो के रख दिए थे तो बस फटाफट से अब मैंने आलू जो है कुकर में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिए हैं तो जब तक आलू बॉयल होंगे तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा तो बथुआ जो है वो भी मेरा बॉईल किया हुआ और पिसा हुआ रखा था तो आटा मैंने लगाया बथुआ उसमें ऐड किया है पिसा हुआ और थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के और आटा जो है सॉफ्ट सॉफ्ट डो लगा के रख लग दिया है तो जब तक अभी बाकी की तैयारी होगी आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा ना तो उससे सॉफ्ट पराठे बनते हैं तो अभी मेरे आलू बॉयल हो ही रहे थे तब तक आटा भी लग गया था और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर बथुए का रायता वो रायता जो है ना मैं बस हस्बैंड के टिफ़िन के लाइक ही बनाऊँगी तो उन्हीं के टिफिन की जो बोल है ना उसी में मैंने दही ले लिया है और उसमें ऐड कर दिया है बथुआ और साथ में सादा नमक काला नमक डाल के रायता रेडी कर दिया है अब बस रायते में छौंक लगाना है तो छोंक के लिए मैंने ऑयल लिया है उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाल के यहाँ पर मैंने छोंक लगा दिया और थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्च तो यहाँ पर मेरा जो रायता है ना वो रेडी हो गया है तो इतना काम मेरा हुआ तब तक आलू भी बॉईल हो गए थे तो आलू जो है वो मैं निकाल रही हूँ तो ना जो छोटे छोटे पीसेस थे वो तो अच्छे से बॉयल हो गए थे लेकिन एक दो बड़े पीसेस में मुझे लग रहा था कि अभी कसर है तो मैंने थोड़े से ही ना बस अभी हस्बैंड के लाइक बनाने के लिए ही मैंने जो है वो आलू निकाल दिए बाकी मैंने बंद करके रख दिया अब उनमें ना एक सीटी और बाद में लगाऊंगी तो बस अब यहाँ पर जो आलू हैं फ़टाफट मैं इनको छील लूँगी क्योंकि ना देर हो रही है सुबह कितना भी जल्दी करो ना ऐसा लगता है पता नहीं टाइम कहाँ भाग रहा है मतलब घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो कुछ ज़्यादा डबल स्पीड से भाग रही हैं ऐसा फील होता है सुबह तो तो बस फटाफट से मैंने आलू यहाँ पर छील लेते हैं और मैशर की हेल्प से अब इनको फ़टाफट से मैश कर लिया है और इनको थोड़ा सा ना ऐसे हाथ से मिक्स कर लें जिससे ठंडे हो जाएँ क्योंकि अगर गर्म आलू में मसाले मिक्स कर दूंगी ना तो फिर ये एकदम पानी जो है वो हो जाएगा आलू में मतलब गिल गिले से हो जाएंगे और फिर पराठे नहीं बन पाएंगे फट जाएंगे पराठे तो मैंने पहले इनको ना थोड़ा सा ठंडा किया और ठंडा होने के बाद अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है सारे मसाले नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर हींग ज़ीरा थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर तो ये सारे जो हैं मसाले वो मैंने ऐड किए हैं और इसमें हरी मिर्च डालना और हरी धनिया डालना मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में तो बस अब मैंने यही सब डाल के सारे जो सूखे मसाले हैं वो डाल के यहाँ पर स्टफिंग रेडी कर ली है और स्टफिंग रेडी करने के बाद फटाफट से मैंने आटा लेके जो है वो पराठे बना दिए हैं बस यहाँ पर सारे पराठे सीख गए थे और उसके बाद अब बारी आती है लंच पैक करने की तो एक डिब्बी में मैंने रखा है खट्टा मीठा नींबू का अचार और रायता तो रेडी था ही ऑलरेडी और फिर एक टिफ़िन में रख दिए है मैंने पराठे और इनको अच्छे से पैक करके मैं जो लंच बॉक्स वाला बैग है उसमें रख दूँगी तो ये है कि हस्बैंड के लंच का जो काम है मतलब दिन का जो मुझे सब सुबह सुबह का सबसे भारी काम लगता है वो यही लगता है क्योंकि कितना भी जल्दी जल्दी करूँ ना तब भी ऐसा लगता है कि देर हो जा रही है तो बस अब हस्बैंड का लंच जो है वो मैंने पैक कर दिया था उसके बाद जो आलू हैं वो मैंने वापस से कुकर रख दिया है एक सीटी और अभी इसमें लगाऊंगी और तब तक मैं अब जो है वो किचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी तो यहाँ पर जितना भी सामान था वो सब मैं अच्छे से पूछ पूछ के घी का डब्बा है और ये जो शीशियाँ हैं ना मसाले की इनको भी अच्छे से मैंने पूछ के रख दिया है क्योंकि ना उस समय काम करते करते मैं जल्दी में ना हाथ वगैरह लग जाते हैं आटे वगैरह के तो वो बहुत गंदे लगते हैं और उनको अगर डेली की डेली साफ़ करते रहो तो किचन जो है वो साफ़ सुथरी बनी रहती है अदरवाइज़ वो क्या होगा ना सारा काम जो है वो इकट्ठा हो जाएगा फिर एक दिन उसको हमें बैठ के फिर डीप क्लीन करना पड़ेगा तो एक दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगाने से अच्छा है डेली थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो दे दिया जाए तो इस हिसाब से मैं ना सारा जो सामान होता है डेली की डेली उसको साथ के साथ पूछ के रख देती हूँ और इसके बाद अब ये जो बर्तन हैं जो रात को धुले हुए रखे हैं टोकरे में इनको फटाफट से पोछ पूछ के मैं लगा दूँगी रैक में तो यहाँ पर भी जो है वो जगह खाली हो जाएगी और यहाँ पर जो टोकरे के नीचे छोड़ा पानी होता है उसको अच्छे से मैं यहाँ पर पोंछ दूंगी पोंछने के बाद और ये जो चकला बेलन है ये मैंने पानी में भिगो के रख दी है अब एक तरफ रख दी है मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए तो जब तक मेरी यहाँ पर चाय धीरे धीरे पकेगी इतनी देर में मैं अपनी किचन जो है ना वो पूरा अच्छे से साफ कर लूँगी तो गैस सिस्टम यहाँ पर अच्छे से साफ कर लूँगी पहले तो और उसके बाद फिर बाकी का जो भी एरिया बचता है जैसे गैस के नीचे का एरिया होता है ये सब अच्छे से मैं इस टाइम पर ना साफ़ कर लेती हूँ तो डेली अगर इस तरीके से सफाई हो जाती है ना तो किचन हमेशा ही एकदम आपकी चमचमाती रहेगी और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मुझे इकट्ठा जो है वो काम करना है इसके बाद ये जो बथुआ था ना मिक्सी के जार में ही रखा था इसको मैंने एक छोटे कांच के बोल में करके रख दिया और फिर यहाँ पर जो ये वाला जो सेक्शन है इस तरफ वाला ये भी मैं आज सारा सामान जो है ना वो अच्छे से पूछ दूँगी तो ये अगर डेली बेसिस पे नहीं भी पूछता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरीके से मैं अच्छे से एक एक सामान को ना साफ़ कर देती हूँ क्योंकि जब सब्जी वगैरह बनाते हैं या जैसे कुकर में आलू उबले थे तो उसके छीटे पड़ गए थे तो वो अच्छे से ना डेली की डेली या एक दिन छोड़ के आप ना साफ़ करते रहो तो सब कुछ साफ़ बना रहता है और ये मेरा टिश्यू रोल ख़त्म हो गया था तो ये मैंने टिश्यू रोल लगा दिया है निकाल के और सब सामान जो है यहाँ पर एक एक सामान अच्छे से मैं पूछ पूछ के लगा दूंगी तो इससे यह है कि मेरी किचन जो है ना वो हमेशा साफ सुथरी बनी रहती है और ये मटर आई हुई रखी हैं तो मैंने पहले तो सोचा था रात में छील के रख दूंगी लेकिन रात में टाइम नहीं मिला अब इनको मैं ऐसे प्लेट में करके रख दे रही हूँ तो सामने दिखेंगी तो फिर जब भी मौका लगेगा मैं छील के ना इनको रख दूंगी तो बस इतना सब काम करते करते मेरी चाय भी पक गई थी अब मैं छान रही हूँ अपने लिए चाय और अब थोड़ी देर बैठ के शांति से अब मैं चाय पीऊँगी और ये जरा सा जो चाय गिर गई ये भी अच्छे से मैंने पहुँच के और जो ये स्लैब पोछने वाला कपड़ा है ना इसे अच्छे से धो के और सुखा दूंगी क्योंकि सर्दियों में अगर ये कपड़े गीले गीले रहते हैं ना तो इनमें हाथ लगाने का भी मन नहीं करता तो अच्छे से किचन के जितने भी कपड़े होते हैं ना उनको यूज़ करने के बाद अगर आप फैला देते हो सुखा देते हो ना तो वो सूखे मतलब एकदम सूखे नहीं भी होंगे तो सूखे रहेंगे ऐसे गीले गीले नहीं रहेंगे तो बस वो सूखे कपड़े से ना काम करने में आसानी भी रहती है तो बस चाय पी ली थी और चाय पी के अब मैं फटाफट से आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए तो सबसे पहले तो जितने भी मैट्स वगैरह पड़े रहते हैं वो सब हटा के मैंने एक जगह झाड़ के जो है वो चेयर पर रख दिए हैं और इसके बाद अब पूरे घर में अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी अपने डस्टिंग के हथियार लेके आज ड्राइंग रूम में क्योंकि ना सर्दी में क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ना सुबह ही काम थोड़ा सा लेट हो जाता है और पूरे घर में ना एक साथ डेली डस्टिंग नहीं हो पा रही है तो जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत लगती है वहाँ पर जो है वो डस्टिंग हो जाती है तो यहाँ ड्राइंग रूम में कई दिनों से नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पर ना कोई आता भी नहीं है मतलब कोई आता है तभी यहाँ पर बैठना होता है अदरवाइज बेडरूम में या फिर लॉबी में ही हम लोग ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए यहाँ पर ना डस्टिंग हुई नहीं थी तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ की डस्टिंग करते हैं तो फटाफट से जो ये माइक्रोफाइबर वाला मेरा डस्टर है उसको लेके मैंने सोफे वगैरह को अच्छे से ना साफ़ कर दिया और कवर भी हटा हटा के जो है झाड़ के मैंने दोबारा बिछा दिए हैं तो इस तरीके से क्या है कि सारे सामान की सोफ़े की आज अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी तो ये एरिया भी साफ़ हो जाएगा तो जितना भी सामान यहाँ पर जो डेकोरेटिव आइटम एक दो पीसेस रखे हुए हैं वो भी अच्छे से यहाँ पर मैं साफ़ कर लूँगी और सारे सोफ़े के कवर वग़ैरह भी जो है ना वो मैंने हटा के अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लिए अभी भी आ गया है यहाँ पर अपना गन वगैरह लेके तो वो भी खेलने में लग रहा है अब बच्चा भी क्या करे ना कितनी देर टी वी देखे और कितनी देर अकेला खेले तो वो भी बोर हो रहा है बार बार यही कह रहा है मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ बोर हो रहा हूँ तो मेरे साथ ही लगा हुआ है कभी इधर उधर घूम के और अब मैंने फटाफट से ना सोफ़े वगैरह की डस्टिंग करने के बाद यहाँ पर बारी आती है सेंटर टेबल की तो टेबल पे भी अच्छे से पहले सूखी डस्ट हटा ली जो माइक्रोफाइबर वाला डस्टर है उससे और उसके बाद ये मैं एक ले आई हूँ सॉक्स हल्का सा गीला करके और इसके बाद अच्छे से मैंने गीले कपड़े से ना सारी चीज़ें जो है टेबल पर अच्छे से पूछ ली हैं जिससे कि बिल्कुल जो है डस्ट वगैरह जो भी होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी और टेबल के नीचे भी कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं और लैपटॉप रखा है तो वहाँ पर भी ना अच्छे से मैंने सारी जो है डस्टिंग मैं आज कर लूँगी तो इससे यह है कि ये वाला जो रूम मेरा थोड़े दिनों से ना निगलेक्टेड सा हो रखा था तो वो भी अच्छे से आज साफ हो जाएगा पूरी यहाँ पर भी डस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो बस यहाँ पर सब साफ सफाई करके और जो थोड़ा बहुत कूड़ा जो हुआ था उसको लेके और अब मैं आ गई हूँ बाहर और ये देखिए अभी की नौटंकी चल रही है क्योंकि बोर हो रहा है तो कुछ तो करेगा ही तो बस वो कैमरा लगा हुआ देख के उसके सामने आके ऐसी वो नौटंकी कर रहा है तो बस यहाँ पर अब सब साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह का सूखी जो सफ़ाई है वो सब मेरी यहाँ पर हो चुकी है तो अब मैं फटाफट से ले आई थी पूछा और फटाफट से अब पूरे घर में पूछा लगा लूँगी मैं सोचती हूँ ना कि कभी कभी पूछा ना लगाऊँ स्किप कर दूँ बहुत सर्दी हो रही है फर्श भी ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा लेकिन मन ही नहीं मानता ऐसा लगता है कि अगर पोछा नहीं लगा घर में तो सफ़ाई धूरी है तो बस पोछा लगा लिया था और लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने नहा के आके बस मैंने कर ली है पूजा और आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए तो पूजा करी थी और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और बड़ी तेज ठंड लग रही थी तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी कम्बल में और अपनी चाय लेके तो यहाँ पर बैठ के अब मैं थोड़ी देर ना अपनी जो चाय है वो पीऊँगी और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आज अपनी टू डू लिस्ट कि अब मुझे क्या क्या करना है क्योंकि ना क्या होता है कि अगर लिस्ट नहीं बनाओ तो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट काम ऐसे होते हैं जो बहुत मैंडेटरी हैं जो करने ही करने हैं और वो रह जाते हैं तो रात में एक बार में जितना मुझे याद आता है ना तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि हाँ कल के दिन में मुझे क्या क्या काम क् ऐसे हैं जो करने ही करने हैं घर के कामों के अलावा तो बस आज का काम जो था सबसे इम्पॉर्टेंट वो था आज ना बच्चों का मैंने टेस्ट बोल रखा है कोचिंग में तो मुझे टेस्ट पेपर बनाना था जो कि मतलब मैंडेटरी है चाहे और कोई काम हो या ना हो ये काम होना ही होना है तो बस यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी टेस्ट पेपर बनाने के लिए और ठंड ना बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने हीटर भी ऑन कर लिया था क्योंकि नहा के आई और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट किया तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और अभी खेल रहा है अब अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं यहाँ पर बैठ के अब बनाऊँगी अपना टेस्ट पेपर बच्चों के लिए तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में Till then, bye bye. Take care. Stay beautiful always.